हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। इन विच क्वाड्रेंट्स ऑन विच एक्सिस डू यू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, -4, -3, -1, -1, 0, 1 एंड 2 वेरीफाई योर आंसर लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। इन सबको हमें कार्टेशियन प्लेन पे रखना है। देखिए, जो -2 और -4 है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ये क्यों क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमसे पूछा गया है -2 और -4, ये देखिए कौन से पे है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे है। इसी तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक्स देखिए नेगेटिव और वाई आपका पॉजिटिव है। इसी तरीके से सेकंड में -3 और 1 दिया हुआ है, -1, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें कि एक्स हमारा पॉजिटिव है और वाई हमारा नेगेटिव है। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, फोर्थ के बारे में या फिर फिफ्थ के बारे में भी देखें, तो ईजिली आप समझ पाएंगे कि अगर हम -1 और 0 की बात करते हैं, तो ये जो है एक्स एक्सिस पे है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है -1 और 0, और एक्स जो है वो नेगेटिव है और वाई जो है वो 0 है। -1 और 1 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव है, और -3 और -5 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, जिसको आप कह सकते हो कि एक्स और वाई दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फिफ्थ क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, इसका फोर्थ थर्ड भी डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। हमें प्लॉट करना है पॉइंट्स को, टेबल पेन दिया हुआ है, सो टेबल यूनिट्स आपको लेनी है अपने अकॉर्डिंग, और ये चीज़ें दी हुई हैं, इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे। कैसे करेंगे, देखिए -2 दिया हुआ है, -2 और -8, तो -2 को हमने यहाँ रख दिया, माइनस का जो है, और 8 को यहाँ रख दिया, तो आप इजिली देख पाएंगे कि ये है आपका x का -2, राइट, -2 हो गया और ये 8 हो गया, तो ये 8 हो गया y का और ये हो गया आपका। इसी तरीके से -1 और 7 देखना है हमें, तो -1 देखना है हमें यहाँ पे और 7 यहाँ पे देखना है, तो ये पॉइंट हो गया आपका लोकेट, राइट, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 0 और -1.25, तो 0 और -1.25 के बारे में बात हो रही है, तो -1.25 है, तो यानी कि 2.5 से यहाँ होगा, तो ये यहाँ पे होगा पॉइंट, राइट। इसी तरीके से 1 और 3 के बारे में बात हो रही है, तो 1 और 3 आप देखिए, 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, और 3 और -1 के, 3 और -1 देखिए, 3 यह है और -1 ये, तो ये 3 और -1 ये हो गया। तो वो चीज़ें आसान है, बस आपको समझना है कि कैसे आप ग्राफ पे इन्हें प्लॉट कर सकते हैं, ये पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, और इन पॉइंट्स को हमने इस कार्टेशियन प्लेन पे हमें प्लॉट हमने कर दिया है। और आई होप कि ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके का कोई भी समस्या है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या कर सकते हैं, अपकमिंग सेशन अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अपकमिंग बैचेस के बारे में नॉलेज ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि ये कंप्लीट मिडिल लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।